दोस्तों अभी इस्कॉन टेंपल में यहाँ से निकलना है प्रेम मंदिर, तो चलिए प्रेम मंदिर का दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आप मेरे पीछे जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ चलिए जल्दी निकलते हैं प्रेम मंदिर। राधे राधे। दोस्तों आप लोग के लिए देखिए कितना कष्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे देख रहे हैं चार्जर लगा हुआ, यहाँ सब जा रहा मंदिर के अंदर, मतलब ये लोग प्रसाद लेने के लिए जा रहा है। यहाँ पर बैठ के मोबाइल चार्ज करेंगे तब ब्लॉग बनाएंगे, समझ रहे कितना कष्ट काट रहे हैं। चलिए मोबाइल चार्ज करेंगे तब प्रेम मंदिर जाएंगे। हम तो यहाँ पर बैठेंगे आधा एक घंटा, आप तो तुरंत चल दीजिएगा प्रेम मंदिर। तो चलिए इधर से चलिए। दोस्तों लगभग 35 मिनट चार्ज करने के बाद हम यहाँ से निकले इस्कॉन टेम्पल से, अब फाइनली चलना है प्रेम मंदिर। जल्दी चलिए आप बस। दोस्तों अभी हम मेन रोड पे, और मेन रोड पे इसी में मारा इतना भीड़ सही है। देखिए दोस्तों कितना गो का गणेश जी का मूर्ति है। दोस्तों जान को हथेली में लेके और बैग को हाथ पे लेके ऐसे ऊपर में अभी भीड़ से निकले हैं, अब प्रेम मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पे आपको वृंदावन का सीन है, रात में जाएंगे मथुरा। मथुरा में सोचिए कितना भीड़ होगा महाराज, मथुरा का तो अलग लेवल पे होगा। बैग जो हम उठेने थे, जैसे कृष्ण जी को उठने उठेने थे उनके पिताजी पार करवाए थे जो नदी, वैसे ही हम बैग उठा के पार करवा रहे थे भीड़। मेरे पीछे आप जितना लोग को देख पा रहे होंगे, अब मेरे आगे जितना लोग है सब लोग प्रेम मंदिर जा रहे हैं, जिस मंदिर हम जा रहे हैं। सोचिए वहाँ पे क्या सीन होगा भीड़ का। देखिए दोस्तों फाइनली प्रेम मंदिर पहुंच गए, यही है। कल हमको फीलिंग नहीं आ रहा था जन्माष्टमी वाला, आज कुछ ज्यादा फीलिंग आ रहा है। देखिए क्या मस्त गेट है, भव्य द्वार। यहाँ से जाकर दृश्य दिखाते हैं, भीड़ कितना लेकिन दृश्य देख के मन खुश हो जाए। देखिए दोस्तों इस मंदिर का खासियत, हर 30 सेकंड में अपना लाइटिंग चेंज करता है, नजारा बड़ा मस्त है। और कृष्ण जी को देखिए। दोस्तों यहाँ पे पूरा झांकी दर्शाया गया है कृष्ण जी के जीवन में कैसे कैसे क्या दशा है। अब यहाँ से चलना है प्रेम मंदिर जो कि इधर, चलिए चलते हैं प्रेम मंदिर के अंदर। दोस्तों वहाँ फवारा शो चल रहा है। देखिए दोस्तों पानी के फवारा में आपको मूवी दिख रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर रासलीला दिखाया जा रहा है कृष्ण जी का। भीड़ देखिए ना, भीड़ कितना। देखिए दोस्तों उसी स्क्रीन पे कितना सही लिया गया इसकी। देखिए दोस्तों यही है गोवर्धन पर्वत, पसीना तो काफी ज्यादा चल रहा है क्योंकि आदमी इतना ह्यूमिडिटी बहुत है। जे में जो गोवर्धन पर्वत आप देख रहे हैं जिसका बना हुआ स्टेच्यू, इसी का 21 किलोमीटर का चारों तरफ से घूमिएगा ना, उसी को परिक्रमा कहता है। वहाँ पे जाकर किया जाता है, गोवर्धन पहाड़ के चारों तरफ किया जाता है, 21 किलोमीटर का परिक्रमा होता है। देखिए दोस्तों अभी जलेगा। दोस्तों देखिए कितना रियलिस्टिक पहाड़ बनाया गया है, पहाड़ के ऊपर में पेड़ भी है कि पहाड़ उठाया तो उसके साथ जो पेड़ था वो भी उठ गया। झरना देखिए लग रहा है सही में वैसने बारिश हो रहा है। हुआ प्रेम मंदिर। देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी हम एक फोटो खिंचाने का कोशिश करेंगे, देखिए उसमें कितना विघ्न आता है। देखिए दोस्तों बस फोटो खिंचाने लगते हैं तो कितना लोग जाता है, बस खिंचाने लगते तब एक। अच्छा वीडियो बना रहे थे टाइम लैप्स वाला जो अभी आप देखे, तभी कम लोग गया क्योंकि वीडियो नहीं बना रहे थे, फोटो थोड़ी खींचा रहे थे। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। देखिए अभी मंदिर के अंदर जा रहे हैं, प्रेम मंदिर है ना, प्रेम मंदिर के अंदर जाके आपको दिखाते हैं क्या।
इनका मूर्ति देखे लगता सही में बैठल है। आने और आने में तो हालत खराब हो गया बाहर दोस्तों। एक बार हम भीड़ दिखाते हैं आपको ऊपर से। दोस्तों मंदिर घूमते घूमते काफी परेशान हो गए हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठे हैं। लगभग पिछले 48 घंटा से सुते नहीं, तो यहीं पे थोड़ा सा आराम करते हैं, सोने की कोशिश करते हैं। पिछले ब्लॉग में देखे ना आश्रम में सुते, वहां से उठा दिया। देखिए दोस्तों तो प्रेम मंदिर का पूरा ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। तो आप पूरा देख लिए प्रेम मंदिर कैसा है, क्या है, नहीं है। अभी हम यहाँ से प्रेम मंदिर से निकल के मथुरा जाएंगे, जो कि आप अगले ब्लॉग में देखिएगा। ऐसा ना लगे कि भीड़ खत्म हो गया, भीड़ दिखाते हैं। भीड़ में पाव भर का डिफरेंस नहीं आया समझे, इतना भीड़ हाइए है। बस यहाँ से हम लोग जल्दी निकल रहे कि ऐसा पता लगा कि मथुरा में रात में आज रात 12 बजे मटकी फोड़ होने वाला है कृष्ण जन्मभूमि पे, मतलब कि कारागार जो था ना कंस का जो फोर्ट था वहाँ पे। तो चलिए अभी वहीं चलेंगे, आप अगले ब्लॉग में देखिएगा, हम तो तुरंत जाएंगे। चलिए।